तो जब प्रशासन ही चाहे तो फिर रक्षा कौन करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? समीक्षा बैठक थी, तो समीक्षा बैठक में तो यही होता है ना कि कैसे हम चुनाव हारे हैं, तो यही सब चर्चा हो रही थी। उस पर इस प्रकार से भरकना उचित नहीं। शिकायत क्या किससे करेंगे आप? किसी से, मुझको शिकायत किसी से नहीं है। हम योगी जी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, सनातन के लिए कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, फिर आएंगे, फिर काम करेंगे। जैसे 500 वर्ष के बाद अयोध्या राम मंदिर मिला, 500 वर्ष में 5 बार हम मरे, जिंदा होके फिर आए, फिर काम किया। उसी प्रकार से मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हल्के में थोड़ा ही ना होता है। है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उनका स्नेह बहुत है और मुझको लगता है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, और मैं आभार देता हूँ जनता जनार्दन का जो तीसरी बार जना आदेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना, और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी, हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई।